नमस्कार, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरा ये पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्या है आपका? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं दे रहे हैं, केवल हम वही सिलेक्टेड जानकारी दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत के लिए जो है वो एक राष्ट्रपति होगा, है ना? तो ये हमारे संविधान में कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है आपका, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका कौन सा अनुच्छेद है? 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और भारत में राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है, भारत का प्रथम नागरिक है, लेकिन राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। माने संसदीय शासन प्रणाली में जो है वो दो तरह की कार्यपालिका होती हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो होती है आपकी नाममात्र की कार्यपालिका। तो वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो देखा जाए तो वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित न होकर के किस में निहित होती है? जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। लेकिन हम यहाँ पे केवल राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो संविधान में राष्ट्रपति के बारे में लिखा है उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। फिर आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, है ना? फिर अगला देखते हैं हम, एक पूछता कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? माने संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका प्रयोग जो है वो परामर्श से करता है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है आपका? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता की। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए तभी योग्य होगा जब उसके पास निम्नलिखित योग्यता होगी। पहली योग्यता क्या है आपका? भारत का बोलिए आप लोग ना, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष आवश्यक है। फिर तीसरी योग्यता है इसकी कि लोकसभा, जो केंद्र में लोकसभा होती है उसके जो सदस्य की योग्यताएं होती हैं वो भी योग्यता जो है राष्ट्रपति में होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर अगला क्या है आपका? लाभ का पद धारण ना करता हो। तो कुछ पद लाभ के नहीं माने गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। चलिए अगला चलते हैं हम। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि इसमें हमने जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कौन करता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसकी पद्धति क्या है जो हमने फ्रांस से ली है? राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक, इसको ध्यान रखिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणि पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये हमने व्यवस्था कहाँ से ली है? तो कहाँ से ली है? फ्रांस से ली है। फिर आगे चलते हम, तो इसके चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं? कौन कौन डालते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, माने मनोनीत सदस्य जो है इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसी तरह से राज्य विधानसभा में राज्यपाल जो है वो 1 सदस्य को मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत सदस्य जो है वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही मनोनीत कर रहा है, जैसे कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, तो इनको मनोनीत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति हो सकता है? जितना चाहे वो, है ना? तो यदि मान लीजिए इत्तेफाक से एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति था उसने मनोनीत किया और अगली बार फिर चुनाव में खड़ा हो गया वो, तो ये क्या करेंगे जिसको मनोनीत किया उसने, ये उसको वोट देंगे, तो एक पक्षपात की संभावना बनेगी। इसलिए मनोनीत सदस्यों को वोट से जो है वो दूर रखा गया है। अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कितने परसेंट वोट पाना आवश्यक है? कम से कम जीतने के लिए जो है वो 50% वोट प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, अगला चलते हैं हम। कार्यकाल क्या है इसका राष्ट्रपति का? कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष,
पद ग्रहण करने की तारीख से। अब मान लीजिए, जवाब दीजिएगा कि ऐसे कोई राष्ट्रपति है, अगले राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं हो पाया किसी कारण से और 5 साल उसका पूरा हो गया, तो वो कब तक पद में रहा आएगा? जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के ना आ जाए, तब तक राष्ट्रपति का पद जो है वो रहा आएगा उसमें। फिर हम बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन संबंधी कोई विवाद आ गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा? ये क्वेश्चन कई जगहों में आया आपके, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हुए हैं उनका निपटारा कौन करेगा? तो सामान्य न्यायालय नहीं करते, हमारा जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए हम अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है, तो एक महत्वपूर्ण पद है ना, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो राष्ट्रपति पद हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन पद ग्रहण करेगा उसकी जगह पे? कौन करेगा बेटा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति के पद भी खाली है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी पद खाली है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वेरी गुड, है ना, उच्चतम न्यायालय का कौन करेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन कई जगहों में आया है कि राष्ट्रपति ऐसे पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण करने के पहले जो है एक शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेरी गुड, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्यों देता है? छोटा पद होता ना उपराष्ट्रपति? नहीं, क्या है कि पद देने की परंपरा यह है कि पद जो है वो त्यागपत्र जो है वो हमेशा ऊपर वाले को दिया जाता है, अगर ऊपर वाला अवेलेबल नहीं है तो बराबर वाले को दिया जाता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति पद देगा, त्यागपत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? भाई राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं अपन कि एक जो है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, इसलिए व्यवस्था की गई है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा विचित्र है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, जनरली अपन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लगा देते हैं इसमें, लेकिन सही आंसर क्या है? त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति को जो है कौन हटा सकता है महाभियोग लगा करके? राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। और आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, अगर संविधान का उसने अतिक्रमण किया है तो संसद जो है वो उस पर महाभियोग लगा करके उसको पद से हटा सकती है। अभी तक कितने राष्ट्रपति को हटाया गया इस तरह से? एक भी नहीं, है ना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को इस तरह से हटाया नहीं गया। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 61 में, है ना। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है? 6 माह। तो उसके बाद रखिएगा कि राष्ट्रपति का अगर पद किसी कारण से ऐसा किस कारण से रिक्त हो सकता है, या तो वो त्यागपत्र दे दे, या फिर उसको संसद हटा दे, या किसी कारण से उसकी जो है वो मृत्यु हो जाए। तो इन कारण से अगर पद खाली होता है तो ये व्यवस्था की गई है, बेटा नींद सो रही हो तो क्या 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है ना। फिर एक व्यक्ति, हमने बता चुके पहले, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार वो चाहे, लेकिन अमेरिका में केवल दो बार, अमेरिका में केवल जो है वो 2 बार बन सकता है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, है ना, तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये संसदीय शासन के अनुरूप इसका हमको अध्ययन करना होगा। पहली शक्ति क्या है? नियुक्ति संबंधी शक्ति है। तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कौन कौन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के परामर्श से केंद्र के मंत्रियों की, फिर आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की, फिर आपका महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की, भारतीय जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की, इसी प्रकार से कुछ जो आयोग है आपके जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की, और आपके राजदूतों की नियुक्ति भी करता है, क्योंकि भारत में जो है भारत के हर देशों में राजदूत होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये इसकी नियुक्ति संबंधी अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार क्या है इसका? विधायी अधिकार है। तो
राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। मतलब संसद निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद बनती हैं। इस तरह से संसद के सत्र को बुलाना, आहूत करना, स्थगित करना और उनको समाप्त करना है ना, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद में राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है अपना, और कोई भी कानून संसद द्वारा तब तक अंतिम नहीं होता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। फिर और देखें हम तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कितने बेटा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इस तरह से मुख्य शक्ति आपकी विधायी शक्ति हो गई। एक शक्ति और है इसमें, अनुच्छेद 123 में है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अगर संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे हैं उस दौरान अगर कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है वो अध्यादेश जारी करके तत्कालिक रूप से कानून की व्यवस्था कर सकता है। अगली शक्ति कौन सी है आपकी, सैनिक शक्ति। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। याद है ना, ये बन जाएगा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से जो 3 सेनाएं होती हैं कौन कौन सी, जल थल और वायु, इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से देशों की घोषणा कौन करता है, देशों की घोषणा कौन कर सकता है, युद्ध की घोषणा, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आओ ना पास में, बताओ, हाँ यहाँ आओ सामने ना, हाँ बोलो, हैं अभी वीडियो बना रहे हैं ना, चलो निकलो जल्दी जल्दी निकलो, ठीक है। अगला आपका जो है वो कौन शक्ति आपकी, सैनिक हो गई, फिर आपकी राजनीतिक शक्ति है। तो अन्य देशों से समझौते संधियां किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो भारत में अन्य देशों के राजदूत जो आते हैं है ना, तो उनका स्वागत वगैरह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी तरह से अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगली शक्ति कौन सी आपकी, अगली शक्ति आपकी न्यायिक शक्ति है ना, न्यायिक शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति है। तो इसमें हम पहले ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को जो है वो परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से किसी लोक महत्व के प्रश्न पर जो है वो परामर्श मांग सकता है। और तीसरी शक्ति इसमें है कि राष्ट्रपति जो है वो एक न्यायिक शक्ति ही है ये, कि अपराधियों को क्षमादान कर सकता है। माने अगर किसी को फांसी हो गई है तो वो राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है, अगर राष्ट्रपति उसे समझता है तो उसकी फांसी की सजा को जो है वो माफ़ कर सकता है, या छोटे सजा में उसे आजीवन कारावास में, कारावास में उसको जो है वो बदल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, अगली शक्ति कौन सी आपकी, आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति में क्या बताया गया है, तो 3 तरह की आपातकालीन शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, जो उसका प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है, परामर्श से करता है। कौन कौन शक्तियाँ 3 कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तीसरा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो ये आपकी मुख्य मुख्य चीज़ें थी, इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, जो सबसे अधिक समय तक रहे हैं तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो करीब 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। फिर भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, माने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे बोलिए, नीलम संजीव रेड्डी। इसको कैसे याद रखेंगे, ना से निर्विरोध ना से नीलम, याद रहेगा, ना से निर्विरोध ना से नीलम। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको है ना। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हाँ रामनाथ कोविंद है ना। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी पद पर रहते हुए प्रथम राष्ट्रपति, तो वो थे आपके यही थे डॉक्टर
जाकिर हुसैन। और प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, है ना। कल कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। तो इनको भी आप ध्यान रखते रहिए, ऐसे कोई दिवस आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में काफ़ी पेपर में निकला हुआ था, निकला था पेपर में ना, कि भारत की सबसे कम आयु की पायलट कौन है, कई तरह की चीज़ें आई थी, है ना। तो चलिए, ये मेरी क्लास थी, बच्चे बैठे हुए हैं, इसी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बच्चे भी दोबारा देख सकते हैं। और आप लोग जो हमसे बहुत दूर हैं, कुछ लोग जो आ नहीं पा रहे किसी कारण से अभी, वो भी हमारी क्लास देख सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।